साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये सब मन के की वृत्तियां हैं। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे हैं, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, गुल दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। साहिब ये बात बोल रहे हैं कि 11वें दरवाजे को पाए बिना आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साहिब साफ कह रहे हैं, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अब भी कच्चा रे कच्चा, कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे गोकुल मथुरा काशी। भाई इतनी भी कला आ जाए यहां से गुप्त होकर गोकुल मथुरा काशी में प्रकट हो जाए, अंतर ध्यान होने की कला है तो भी नहीं। चार वेद को पढ़ के मर गए, जो कह दे हो जावे, भाई जो कहे वो भी हो जाए, तभी भी पूर्ण नहीं हुआ। अभी मन के दायरे से बाहर नहीं निकला। जब तक आप मन के दायरे से बाहर नहीं निकले हैं, आपकी किसी भी कीमत पर मुक्ति होने वाली नहीं। आगे फिर कह रहे हैं, दसम द्वार की में सूरत लगावे, शून्यकाल का वासी हो तो भी कच्चा। यानी दसम द्वार में ध्यान लगाने की कला भी आ जाए तभी भी कच्चा। फिर पक्का कब हुआ, सार शब्द सदगुरु से पाए क्षर अक्षर के पारा, सार शब्द सदगुरु से पाए क्षर अक्षर के पारा, अब हुआ पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा। यानी नाम सार शब्द सदगुरु से पाए, क्षर माया, क्षर माया अक्षर ब्रह्म, यानी वो नाम 52 अक्षरों से परे और निराकार से भी परे, तब हुआ पक्का रे पक्का। अब पक्का कैसे हुआ, अब वो मन की परिधि से बाहर निकल सकता है। अन्यथा कोई भी आदमी मन की सीमा से अपनी किसी भी ताकत को लगाकर कभी भी पार नहीं हो सकता। कितना साफ शब्दों में एक बात साहब कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई, जीव के संग मन काल को वासा अज्ञानी नर गह विश्वासा। कह रहे इस जीव के साथ मन काल का वास, मन ही आहे काल कराला, पूरा खेल ही मन का है। तीन लोक में मन है विराजी, ताहन चीनत पंडित काजी, पूरा खेल ही मन का है। मन से मन रोए, मन जागे, मन सोवे, मन लेवे, मन देवे, मन का है ये सकल पसारा। ये पूरा तीन लोग ये मन की कल्पना है, मन का संकल्प विकल्प है। इसलिए दुनिया के जितने भी लोग हैं ये अपने से बाहर नहीं जाने देता है। ये सभी अवस्थाएं भी मन की अवस्थाएं, कितना इसका बल है, एक दो आदमी नहीं भूले हैं। इस मन की ताकत कितनी है, संसार के जितने भी जीव हैं सभी सांसारिक और भौतिक मायावी जीवन जी रहे हैं, आध्यात्मिक यथार्थ जीवन कोई भी नहीं जी रहा है। जितने भी जीव दुनिया में हैं, एक न भूला दो न भूले, जगत भुलाना पेटवा का धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं सब जग अंधा। हाँ, पहले पहले तो ऐसा लगता है कि ये नोचने वाले शब्द लग रहे हैं कबीर साहब के, लेकिन चिकनी चुपड़ी कही नहीं साहब ने, बहुत स्टेटस बहुत सफा सफा कहा। इसलिए ये प्रभाव संसार के सभी लोगों पर है। जब तक भी मनुष्य इस मन की परिधि में हैं, बेटे भी सत्य लगेंगे, घर भी सत्य लगेगा, माता पिता भी सत्य लगेंगे, जिस्म भी सत्य लगेगा, सुख दुख भी सत्य लगेगा, सूर्य चंद्रमा भी सत्य लगेगा, यह स्वप्नवत संसार सत्य और नित्य ही लगता रहेगा।
जब तक कि ये नशा नहीं टूटेगा। मैं एक बात कहता हूँ, एक पूर्ण गुरु जब भी नाम देता है तो तीन चीज़ करता है। मैं जब एक बात ये कहता हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, तो इस पर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूँ। एक आदत गुरु जब भी नाम देता है तो तीन चीज़ करता है। सबसे पहला काम क्या करता है, मन और आत्मा को उसी पल अलग करता है। क्या हुआ, वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। मन और आत्मा को अलग करने के लिए ही तो मनुष्य इतनी दीर्घ साधनाएं कर रहा है, और संसार त्याग करके योगी लोग कंदराओं में जाकर के ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान क्यों किया जा रहा है, यही जानने के लिए कि यथार्थ में मैं क्या हूं। जय खोजत कल्पो गए, कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया लखा है। ये पल भर में एक पूर्ण गुरु काम कर देता है, आत्मा और मन को अलग कर देता है। ये किसी भी कीमत में आत्मा और मन अलग नहीं हो सकते हैं, अपनी चेष्टा से ये दोनों ऐसे मिक्स हो गए हैं कि मन कहता है रोटी खानी है तो आत्मा सोचती है यही मेरी इच्छा है, मन कहता है घूमने चलना है तो आत्मा कहती है यही इच्छा है मेरी, आत्मा कह रही है कि हमें भी घूमने जाना है। ऐसे पीछे लगा रखा है मन ने। मन का अस्तित्व ही अज्ञान है, मन का वजूद और ताकत ही अज्ञान है, क्योंकि आत्मदेव इसलिए सभी काम करता जा रहा है कि अपने रूप को नहीं जानता, अपने वजूद को आत्मा नहीं समझ पा रही है, अपने आप को नहीं समझ पा रही है। इसलिए भक्ति में और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, दो हैं हर आदमी की, एक तो ज्ञान, एक तो मुक्ति, एक आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, कहीं हमारी आत्मा घूमने तो नहीं चली गई है। असमंजस यह है कि आत्मा यहीं है पर आत्मा का पता नहीं चल रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं। ज्ञान कहते हैं जानने को, आत्मा जानी नहीं जा रही है। कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, क्रियाकलापों को अगर देखेंगे तो संसार का कोई भी आदमी आत्मनिष्ठ जीवन नहीं जी रहा है। जितने भी लोग हैं सब भौतिक और सांसारिक जीवन जी रहे हैं। तीन लोक में मन है विराजी, सही तो बात है, सब पर हैं लगा मौत मलिक मोह का छापा, हैं आग लगी बेश जलेगा ये शराबा। सभी तो इन चाहों में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में घूम रहे हैं, सभी तो मन की आज्ञा, मन की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। जितने भी कर्म मनुष्य कर रहा है कोई भी आत्मनिष्ठ नहीं है। संसार के अंदर जितने भी कार्य आप कर रहे हैं, बाहर नहीं जाने देगा दुनिया से, उलझाएगा। जब भी आप चाहेंगे इससे निकले, ये नहीं निकलने देगा। इसकी बड़ी दूर तक इसकी पहुंच है, बड़ी दूर तक इसकी पकड़ है। कितने तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की पर ये निकलने नहीं दिया, अपनी परिधि से ये किसी को नहीं निकलने दे रहा है। सिद्धियां दे देगा, शक्तियां दे देगा, धन दे देगा, दौलत दे देगा। तो साहब कह रहे कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी दसम द्वार में ध्यान लगाए होए शून्य का आभासी, तो भी कच्चा। कितनी भी उपलब्धियां आप संसार में कर लें पर आप इस मन की सीमा से, अपने किसी भी योग से बाहर नहीं निकल सकते। एक अदत पूर्ण गुरु आपको बाहर निकाल देगा। तो पहला काम क्या करता है, मन और आत्मा को अलग करता है। मन की ताकत ही अज्ञान है। आप सभी काम क्यों कर रहे हैं मन की प्रेरणा से, हर आदमी क्यों कर रहा है, जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो मन है। मन जागे, मन सोवे, मन हंसे, मन रोवे, मन लेवे, मन देवे, मन का है ये सकल पसारा। ये पूरा मन का पसार है, मन बहुत जोरदार है। मन है निरंजन सभय नचाए, नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है, पर आगे कह रहे हैं नाम होए तो मात न भावे। जब ये नाम की ताकत आती है तो ये मात न भाता है। अर्थात मन की पहली ताकत है अज्ञान, दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा में ऐसे घुल मिल गया है, आत्मा में ऐसे समा गया है कि पूरा झमेला लगता है आत्मा लिए लिए चल रही है, आत्मा झमेला लिए लिए चल रही है। कहत कबीर सलोम भाई साधो, जगत बना है मन से और मन को कोई चीन ना पाए, नाना नाश दिखाए। मन को कोई चीन नहीं पा रहा है, ये नाना नाच नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है।
किस किस को? पूरे ब्रह्मांड को नचाया, बड़े बड़े तपस्वियों को नचाया। जब भी कोई इस परिधि से निकलने चाहता है, ये एडवर्स शक्तियां रोकती है। किसी भी कीमत में आदमी अपनी आत्मा को मन से अलग नहीं कर सकता, अपनी ताकत से। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय, बिना सदगुरु के बच ही नहीं सकता है, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। सोचे कि मैं मन की परिधि से बाहर निकलूं, नहीं निकल पाएगा। इसलिए एक आदत गुरु पहले मन और आत्मा को अलग करता है। यह संसार का सबसे कठिन काम है। गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखाया, गुरु यथार्थ में आत्म रूप दिखाता है। वो ये दिखाना, ये कला, कई चीजें। हंस के चोंच में गुण है, वो दूध पीता है, अगर उसमें पानी मिला है, पानी अभीष्ट छोड़ देता है। ये काम हंस के बिना कोई भी दूसरा जीव नहीं कर सकता। हंस को पाव भर दूध और पाव भर पानी मिलाकर दो, पूरा पाव भर दूध पी लेगा, पाव भर पानी बर्तन में बाकी रख देगा, दूध पूरा पी जाएगा। ये काम कोई भी और नहीं कर सकता है सिवाय हंस के। इसलिए महापुरुषों की सुरती में यह ताकत है, पूर्ण सदगुरु की सुरती में यह ताकत है कि आत्मा और मन को अलग कर सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो पहली क्रिया क्या होती है? अब आत्मा मन से पूरी फाइट करती है, फिर मन का जोड़ नहीं चलता है। मन की ताकत अज्ञान है, मन की शक्ति अज्ञान है। अज्ञान क्या कि खुद को न जानना, और आत्मा अपनी शक्ति से अपने को बांध भी रही है। आपा ही बंध लो, जैसे जैसे मन कहता है, जितने भी बंधन कारक काम है आत्मा स्वयं ही अपने लिए जाल बुन रही है। बंधन के काम आत्मा स्वयं तो कर रही है, जैसा जैसा मन कहता है आत्मदेव करता जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा मन की प्रेरणा के कारण से। आत्मा भूली कितनी बड़ी चेंज आ जाती है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, जैसे दूध को मथ कर घृत न्यारा किया, फिरत करता है में नहीं समाई। ठीक वैसे ही होता है जैसे हम चाह कर भी अपने आप को खींच कर चोट नहीं मार पाते हैं, इस तरह फिर चाह कर भी आत्मा मन का साथ नहीं देती है। आत्मज्ञान होने के बाद यह बात आ जाती है। आत्मज्ञान ये गुरु पल में देता है, ये पल में देता है। एक अदद गुरु, ये क्रिया हो गई, उसने कहीं ऐसा नहीं किया दही मत करके दूध अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया, मक्खन अलग कर दिया, नहीं। बिल्कुल जीवन की क्रियाओं में आप देखते रहेंगे, अब आत्मा और मन अलग अलग हो गया। अब इसका प्रभाव आपके जीवन में ये होगा, पहले जिन जिन चीज़ों के लिए मन चाहता था आपसे करवाता था, अब आप नहीं कर पाएंगे, वो ताकत रोकेगी, आप मन सत्ताहीन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे आपके जीवन में अलौकिक बदलाव आया, असीम परिवर्तन आया। आप कभी कभी खुद हैरान होते होंगे, काग पलट हंसा कर दीना, इसी स्थल पर साहब ने कहा, कोटि जन्म का पंथ था गुरुपल में दिया बताए, ना कुछ किया ना कर सका ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया भया कबीर कबीर। ये अवस्था बनती है, पहली तो ये चीज़ करता है गुरु, मन और आत्मा को अलग कर देता है। ये काम बहुत लाजवाब था, ये काम बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता। हम चाहे कितना जीवन भर तपस्याएं करें, ये काम नहीं हो पाएगा। चाहे हम कितनी भी साधनाएं करें, ये काम नहीं हो पाएगा। ये कोटि जन्म का पंथ था गुरुपल में दिया बता, पहली ये चीज़ दी। उसके बाद एक संतुष्टि मिलती है, किसी के जिस्म में जैसे कांटा लगा हुआ है, कांटा बाहर किया उसे सुकून मिल जाता है। इस तरह आत्मा और मन अलग किए। जैसे हम दही को मथते हैं, तो भाई दही में सब तरफ तो मक्खन था ना, दही एक पात्र में थी, नीचे थी तो नीचे भी मक्खन था, ऊपर थी तो ऊपर भी मक्खन था, दहने मध्य में थी तो मध्य में भी मक्खन था, मक्खन था ही था। लेकिन जब मथ दिया, अभी आप चाहो भी इसको तोड़ तोड़ करके नीचे पहुंचाओ नहीं। उसके बाद आत्मा मन और माया के अंदर समाती नहीं है, बस काम बन गया। तभी साहब कह रहे हैं, ये कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया बताए, पल में दिया लखाए, करोड़ों जन्म का पंथ था, एक पल में ये काम कर दिया। पलक करुण जगत से न्यार, ये पल भर में काम कर दिया एक अदद गुरु ने, ये काम एक पल में किया। जब ये काम हो जाता है, दूसरी चीज होती है आकर्षण।
ग्लैमर, संसार के पदार्थों के प्रति जो आपका आकर्षण है खत्म हो जाता है, निरस्त हो जाएगा पूरा संसार आपके लिए, फिर किसी भी पदार्थ में रुचि नहीं लगेगी, आकर्षण नहीं रहेगा, कोई भी पदार्थ रोमांचित नहीं कर पाएगा, बस सेमल के फूल की तरह संसार नजर आएगा, चाह कर भी उसके बाद आप जगत के पदार्थों से नहीं रम पाएंगे जगत के पदार्थों में। यहीं पर साहेब वाणी में कह रहे हैं, सदगुरु मेरा शूरमा कसके मारा बाण, और नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। कसके मारा बाण और नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण, ये काम पल पल भर में कर दिया। तीसरा, कंप्लीट सिक्योरिटी देता है एक पूर्ण गुरु। हमेशा आपको लगेगा आपके साथ में है, हर पल लगेगा वो ताकत मेरे साथ में है। तभी तो साहब ने पुष्टि दी है, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति संकरी, तामे दोए न समाए, इसमें दो नहीं समाते हैं। यानी जो अपने को महसूस कर रहे मैं हूं, यही तो बंधन है। जो अपनी इंडिविजुअलिटी को आदमी महसूस कर रहा है, यही धोखा है। यह इंडिविजुअलिटी फील कर रही है सुख, यही इंडिविजुअलिटी फील कर रही है दुख, यही आपा, यही व्यक्तित्व, यही खुदी जो महसूस कर रही है, ये खुदी तो महसूस कर रही है कि मेरा भाई, मेरा घर, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा मेरा खुदी, ये आपा, ये इंडिविजुअलिटी आ सकता है। इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, टोटल खत्म हो जाती है। इंडिविजुअलिटी क्यों खत्म हो गई? रम गया गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। कितना बड़ा काम कर दिया कि जो ये आपा, इसी को साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं। साहब की शब्दों को जल्दी कोई समझ नहीं पा रहा है, कहते कबीर की उलट बासी यानी सुलटा कहा, अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे उसकी दुबदा जाए। वाह भाई वाह। कह रहे शीश उतारे भूई धरे, तिस पर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। इसका क्या मतलब भाई? सर उतार करके जमीन पर रखे, फिर पैर रख करके मेरे पास आए। साहब कह रहे इंडिविजुअलिटी को टोटल खत्म करना है तो आ जाओ, मैं खत्म कर दूंगा। साहब कह रहे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी कंप्लीट खत्म कर दूंगा, बुला ही दूंगा कि दुनिया क्या है तुम्हारी। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दुई न समाए, कबीरा तामे दुई न समाए, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। पुरुष रचनते नारी हैं, नार रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जे रचा, ते विरला संसार कबीरा, ते विरला संसार। करूं निज सम ओहे, कह रहे हैं साहेब कह रहे उसे अपनी तरह बना दूंगा, और करद न लागे बार, यानी टाइम भी नहीं लगाऊंगा। ये सब दावे झूठे नहीं है, इन दावों में वजन है। इसलिए जिस समय गुरु की सत्ता आप में समा जाती है तो 24 घंटे आपके साथ रहती है, आप बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे। आपको हमेशा लगेगा मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत 24 घंटे रह रही है। नाम पाए सत्य जब वीरा, संग रहूं मैं दास कभी। नाम गुरु काले सतसंगी, जीते सारी उमरिया, नाम के रंग में रंग लेते हैं सतरंगी ये चुनरिया, बाधा उनके पास न आए, जग माया उन्हें फांस न पाए, सुमिरत बीते उमरिया, सुमिरत बीते उमरिया। नाम गुरु काले सतसंगी, नाम गुरु काले मन रंगी, नाम गुरु का तुले मन रंगी।